रेडियस ऑफ कॉमन इंटरफेस ऑफ बबल्स, आपने ये देखा होगा, आपने वो जब साबुन के बबल फुलाते हैं ना, बबल उड़ते हैं, कई चिपक भी जाते हैं, बड़े अजीब सी फिगर बना लेते हैं, कोई मतलब ऐसे चिपकते ही नहीं ना, ऐसे तो चिपकते ही नहीं है, एक दूसरे के मतलब अंदर ही घुसे जाते हैं, तो आपने देखा होगा वो शेप डिस्टॉर्ट कर देते हैं ऐसे ऐसे, रादर आपको ये भी नहीं दिखता, बस आपको ऐसे चिपके दिखते हैं। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि प्रेशर छोटे वाले में ज़्यादा है और बड़े वाले में कम है। जब वो कांटेक्ट में आएंगे तो कॉमन सरफेस पे क्या लगेगा? प्रेशर। ये इधर से लगा रहा है और ये इधर से लगा रहा है, पर ये बड़ा प्रेशर लगा रहा है, इसका रेडियस छोटा है, तो प्रेशर बड़ा लग रहा है, ऑब्वियसली अंदर घुस जाएगा, इसकी शेप ऐसी कर देगा। तो डायग्राम समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अगर इसका रेडियस R2 था, इसका रेडियस R1 था, जो कॉमन इंटरफेस है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, कॉमन इंटरफेस को अगर मैं बड़ा कर लूं और एक स्फेयर बना लूं, उसका रेडियस क्या होगा? ये क्वेश्चन है। इमेजिनरी स्फेयर बनेगा ऑब्वियसली, सिर्फ इतने से पोर्शन का जो स्फेयर बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी आर की, ये बताओ। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर है, देखो मान लो ये सब वैक्यूम में, अगेन एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसका प्रेशर इनसाइड क्या है, 40/R1, इसका इस तरफ कितना है, 40/R2, क्योंकि इसका प्रेशर इससे बड़ा है, तो प्रेशर डिफरेंस कितना है, 40/R1 - 40/R2, और इमेजिन करो जो प्रेशर डिफरेंस से नया प्रेशर आया वो सब्ट्रैक्ट करके आएगा, नए प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंगली को रेडियस बनता होगा एक इमेजिनरी ड्रॉप का या किसी बबल का, वो जो इमेजिनरी रेडियस बनता है उसके अंदर प्रेशर क्या होगा, 40/R, वो अपना प्रेशर तो लेके आएगा नहीं, वो तो इसी डिफरेंस को प्रेशर को यूज करेगा, तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर से जो इमेजिनरी स्फीयर बनेगा उसका रेडियस अगर आर है तो इक्वल टू 40/R, 40 40 40 कैंसल, इसे फॉर्मूले को नोट करो, कॉमन इंटरफेस का रेडियस R1 R2 / R2 - R1 है, इसे नोट करेंगे, ठीक आएगा ये नीट और मेन में तो बहुत बार आया हुआ है, वैल्यू दे देते हैं कभी 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इंटरफेस पूछते रहते हैं। ये टॉपिक है वेटिंग ऑफ सरफेस,